गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो ये ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ मेरे GoPro के एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि GoPro का आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है वो। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड बात करते हैं GoPro का। अगर आपको पता होगा, मैं जो GoPro यूज़ करता हूँ वो है हीरो 5 ब्लैक। तो हीरो 5 ब्लैक में एक इशू मेरे को हुआ था, मेरा जो बैटरी था हीरो 5 ब्लैक का वो स्वेल हो गया था। वजह से क्या हो रहा था, जो ड्यूरेशन है बैटरी बैकअप अच्छा नहीं दे रहा था, ऑलमोस्ट 2-5 मिनट ही चल रहा था। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने बैटरी नहीं खरीदा, मैंने खरीदा डुअल चार्जर जो कि GoPro का आता है। तो लेटेस्ट वाला खरीदा था जिसमें ब्लू कलर का स्ट्रिप है ना, जो बोलते हैं कि थोड़ा अच्छा है करके प्रीवियस इससे, तो वो वाला खरीदा था मैंने GoPro के लिए। तो उसमें भी इशू हुआ। ये मैंने खरीदा था 2021 जून या जुलाई के आसपास खरीदा था मैंने। तो सिंपल सा फंडा था, उसमें ड्यूअल बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन था एंड सेकेंडली उसके साथ बैटरी भी मिलता है, तो इसके लिए मैंने परचेस किया था। लास्ट मंथ मैंने देखा कि जो बैटरी था ना वो थोड़ा स्वेल हो गया था। फोटो आपको साइड में दिख जाएगा कैसा स्वेल हुआ था, थोड़ा सा सब बम्प आ गया था उस पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे रिप्लेस किया जाए, सर्विस सेंटर में बात किया जाए। जहाँ से मैंने खरीदा था उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, नंबर पे कॉल किया। नंबर पे कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे फॉर्म भी दिया, सब डिटेल्स भरने बोले। भरने का मतलब एक दिन भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट का करने के बाद उन्होंने बोला कि आपका बैटरी रिप्लेस हो जाएगा। बट एक दिक्कत है कि अभी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही स्टॉक आता है, ऑलमोस्ट ये वीकेंड या फिर अगले वीक तक स्टॉक आ जाएगा, आपको बैटरी मिल जाएगा। अब ये मेरी बात हो रही थी अप्रैल 16 या 15 या ऐसे ही कुछ आसपास, 17 के आसपास मेरी बात हो रही थी, फॉलो अप चल रहे थे मेरे। तो ये जो चीज़ था ये मेरा एक ही दिन में हो गया, जैसा मैंने आपको बताया 10-15 मिनट में हो गया। बट द प्रॉब्लम केम व्हेन, जब स्टॉक का बारी आया तो स्टॉक उन लोगों का आ नहीं रहा था। ऑलमोस्ट हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ता निकल गया एंड महीना हो गया। अब भी मुझे 20 तारीख को मेल आया, मतलब फॉलो अप्स के बाद मेल आया, बोला कि स्टॉक आ चुका है आपका, हम लोग डिस्पैच आज करने वाले। तो 20 को डिस्पैच हुआ, 13 को हमारे पास बैटरी पहुंच गई थी। अनबॉक्स करते हैं वो बैटरी, देखते हैं बैटरी में क्या है। पूरा एक नया सेट दे दिया उन्होंने बैटरी का, जो कि इंपोर्ट जो है वो है अप्रैल महीने का। तो अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बैटरी कैसा है करके। सो आज अपना जो बैकग्राउंड है कलरफुल बेडशीट है हमारा। तो एनीवेज बैटरी कुछ इस तरीके से है। तो अगर आपको देखना है तो ये जो है ये हीरो 2018 हीरो 5 ब्लैक, हीरो 6 ब्लैक, 7 ब्लैक और 8 ब्लैक तक सपोर्ट करता है ये वाला बैटरी। और GoPro बोलता है कि ये जो बैटरी है इनका नया बैटरी है। तो एनीवेज इससे प्रीवियस भी जो बैटरी था वो इनका ये वाला ही बैटरी था, बट आपको बताया हूँ इशू हुआ है करके। तो मैं साइड स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली क्या हुआ था करके, स्वेल जो हुआ था वो दिखाऊंगा मैं। तो इसे अनबॉक्स करते हैं फिलहाल। सो ये सील्ड है एक्चुअली, अनबॉक्सिंग हो चुकी है, सील निकल गया है। तो ये कुछ मैनुअल्स है, लाइफ टाइम वारंटी, माय गॉड लाइफ टाइम वारंटी। वैसे कितने बार मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा। सो बेसिकली इसमें भी कुछ नहीं, दिस इज दी बैटरी। और ये स्वेल हुआ था एक्चुअली मेरा। तो अभी ये देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। तो इसको पहला हम लोग चार्ज करेंगे, फिर उसके बाद यूज़ करेंगे अपने GoPro पे, टेस्ट करेंगे। जो भी बैटरी अगर आप देखते हो तो बैटरी में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हो जिसमें बैटरी का इन्वॉल्वमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को फुल्ली चार्ज करो उसके बाद यूज़ करो आप लोग। डायरेक्टली यूज़ करने मत जाओ, जो कि बैटरी लाइफ को अफेक्ट करता है अगर आप डायरेक्टली यूज़ करने जाओगे तो। बैक टू मोटो व्लॉगिंग। आज का क्लाइमेट भी काफ़ी ऐसा मॉनसून टाइप है। सो एनीवेज जो रिव्यू है अपना GoPro का बैटरी के रिलेटेड है, GoPro हीरो 5 के बैटरी के रिलेटेड। तो यह फुल चार्ज किया है जैसा मैंने बताया आपको, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है या फिर बैटरी आइटम्स है आपको फुल चार्ज करना पड़ता है फॉर लॉन्गर बैटरी लाइफ और बैटरी को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए। तो थोड़ा बहुत आज डोंबिवली में अपन मोटो ब्लॉग करेंगे, डोंबिवली वेस्ट में। अभी नेक्स्ट राइड प्लान कभी बनेगा वो नहीं आइडिया है, प्लान बनाना है बिकॉज़ बारिश का मौसम भी आ रहा है, तो मॉनसून स्पॉट्स काफ़ी सारे हैं महाराष्ट्र में। तो बैटरी का मैं बताता हूँ आपको, तो बैटरी यार क्या बोले अभी। बाद में मैंने ना जैसा गूगल में ये किया, सर्च किया ना सब कि क्या इशू है बैटरी का एंड ऑल, बहुत लोगों को एक्चुअली ये प्रॉब्लम आ रहा था बैटरी स्वेल होने का। बट यार सोचो ना, अगर वारंटी के बाहर निकल गया तो यार तुम थोड़ी हम साल साल के गैप में 1700-1800 रुपया डालते रहोगे, दैट इज़ टू मच ना। तो वही मुझे ज़रा ऑड लगा, और ऊपर से इनका सर्विस भी ऐसा है, और भाई इतना महंगा बैटरी बेच रहे हो तो थोड़ा बहुत तो मतलब क्वालिटी भी देना चाहिए ना। ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी पुराना है कैमरा। अब ये कैसा है, हीरो 8 तक चलता है।
अभी फिलहाल के लिए तो मुझे दो तीन बैटरी का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, एक बैटरी में ही अपना काम हो रहा है। अभी गोवा व्लॉग तो मैंने पूरा एक बैटरी पे निकाला, तो मुझे कभी ऐसा इशू जैसा ऐसा लगा नहीं, और ना ही मैं एकदम कंटिन्यूस बेसिस पे मोटो व्लॉग करता हूँ, स्पॉट टू स्पॉट करता हूँ। मुझे जैसा लगता है कि हाँ भाई ये जगह अच्छा है मोटो व्लॉग करने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने जैसा है तो करता हूँ मैं तभी। अदर देन दैट ऐसा कुछ मुझे गरज पड़ता नहीं है बेसिकली कहीं और करने के लिए। और कैसा है, सिटी के अंदर अगर घुसूँगा तो सेफर साइड के लिए थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, या फिर कुछ ऐसा ऑड लग रहा है मेरे को हाईवे पे, कोई ड्राइवर या फिर राइडर थोड़ा ऑडली चला रहा है तो अपना कैमरा भाई चालू हो जाता है, तो उतना सेफ खेलता हूँ मैं। सो एनीवेज गाइस, आप बताओ आपको ये व्लॉग थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, बिकॉज़ कैसा है गोप्रो ओनर्स के लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एनीवेज, इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु ओन्स द गोप्रो एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अपग्रेड टू अनदर गोप्रो, एंड सर्विस के बारे में अगर उनको जानना है तो डेफिनेटली उन लोग ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं अगर कोई क्वेरीज होगा तो। एंड एज ऑलवेज गाइस, थैंक यू फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस व्लॉग, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, बाय।